नीलो मेरी बात सुनो। हाँ जी मैम। वो निशा बीबी को पानी पिला दो और कुछ देर उनके साथ ही बैठी रहना। अच्छा जी ठीक है मैम। सात दरवाजा खोलो। सात 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 यासु के घर का प्रोग्राम था, मुझे किसी ने बताया नहीं। कोइंसिडेंटली मुझे भी अभी मैसेज आया है कि तुम्हें और जूबी को इन्फॉर्म कर दूं, मैं भी डायरेक्टली वहीं पहुंचूंगा। हाँ मुझे याद आया, यूके में होटल्स की रिजर्वेशन हो गई है। यूके से याद आया, हमें एक रूम और बुक करवाना पड़ेगा। किसके? मेरी गर्लफ्रेंड भी साथ चल रही है। नो वे राहिल, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो ना, ये प्लान हमारे ग्रुप का है, तो सिर्फ ग्रुप के ही लोग जाएंगे। लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जब किसी को इतराज ही नहीं है। मामा ने मुझे निशा का कहा था, मैंने साफ साफ मामा को मना कर दिया, निशा हमारे साथ कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ वो लोग जाएंगे जो ग्रुप के लोग हैं, निशा भी नहीं। देख साथ जो भी है, अली तो साथ जाएगी। मेरे मना करने के बावजूद भी? हाँ, क्योंकि मेरा प्लान, तुम्हें साथ चलना है तो चलो, वरना तुम्हारी मर्जी। राहिल, हाँ अली बेटा कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है आंटी, आप ठीक हैं? सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है। साद ने मुझे बताया कि आमना की तबीयत ठीक नहीं है। जी आंटी, आपको बताया तो था। अम्मी के कुछ हार्ट के इश्यूज हैं, उनको लेके आए हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल में ही हूँ इस वक्त। अच्छा वैसे अब तो ठीक है ना आमना? जी पहले से तो बहुत बेहतर है अभी, लेकिन डॉक्टर्स ने अभी कुछ उनके टेस्ट किए हैं, उसके बाद ही बता सकते हैं उनको मेडिकेशन पे रखेंगे या फिर सर्जरी करेंगे। चलो अल्लाह खैर करेगा। आंटी आपने निशा को तो नहीं कुछ बताया ना अम्मी के बारे में? नहीं नहीं परेशान मत हो, निशा को कुछ नहीं मालूम, असाद ने मुझे अकेले में बताया था। आंटी कोशिश कीजिएगा कि निशा को इस बारे में कुछ ना पता चले, उसका दिल बहुत छोटा है, नाजुक है इस मामले में। तुम बेफिक्र रहो उसकी तरफ से, बस जैसे ही आमना घर आ जाए ना तो तुम निशा की उससे बात जरूर करवा देना। जी आंटी मैं उसकी बात करवा दूंगा, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि निशा का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, अम्मी की ट्रीटमेंट की मजबूरी ना होती तो उसे मैं कभी भी वहाँ अकेला तन्हा नाश्ता छोड़ के आता। देखो वो हमारी जान है, हमारी जिंदगी है, तुम उसकी तरफ से बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं हूं ना उसके पास। इसी बात का इत्मीनान है। अब मेरी तरफ से ना आमना की तबीयत जरूर पूछ लेना, फिर बात होती है आली तुमसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आंटी। क्या हो गया है निशा? ऐसे नहीं करते, समझदारी से काम लो, अपनी अम्मी के लिए दुआएं करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करो कि वो ठीक हो गई है, और अगर तुम उनके लिए दुआएं करोगी ना तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे।
तुम्हें पता है मैं अभी सात से बात कर कर आ रही हूँ। नजर उठाकर नहीं देख रहा वो मुझे, इतना शर्मिंदा है कि उठकर बाहर चला गया, और वो तुमसे भी बहुत शर्मिंदा है। इसलिए तो तुम्हें फेस नहीं कर रहा। देख लेना बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आएगा। अच्छा चलो शाबाश, उठो जाके वजू करो, नमाज पढ़ो और अपनी अम्मी के लिए दुआएं मांगो। तुम्हारी दुआओं से ना वो हंसती मुस्कुराती जल्द से जल्द हॉस्पिटल से घर वापस आ जाएंगी, है ना? साथ के साथ जो कुछ कर गई है ये, वो तो इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं आएगा। उसे कैसे समझाऊंगी, कैसे संभालूंगी? या अल्लाह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स नॉट, अ बिग नो। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मुझे राहिल से ये उम्मीद नहीं थी। बहुत गलत किया उसने। हमारा ये ग्रुप कई सालों से है, हमें किसी नए मेंबर की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, होगी इसकी कोई गर्लफ्रेंड, लेकिन उससे बाहर ही बाहर दोस्ती रखे, हमारे ग्रुप का मेंबर ना बनाए उसे। राहिल ने मुझसे बदतमीजी की। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर उसने ऐसा क्यों किया है? कैसे होते हैं फ्रेंड्स? रिलैक्स बेबी, यू डोंट हैव टू वरी। मैं हूं ना, खुद ही संभाल लूंगा उसे। यू नो व्हाट, मुझे सेल्समैन की कॉल आई थी, जो वॉच मैंने ऑर्डर की थी वो आ गई है। Really? Yes. Then let's go. Let's go. Baby. नया, कल से मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लगवा दूंगी, पिक एंड ड्रॉप कर लेगी पार्लर से। तुम आराम से उठना, पूरे बाकी काम करके ना फिर काम पे आना, ठीक है? नहीं अम्मी, मैं आपके साथ ही चली जाया करूंगी। अम्मी कह रही है ना गाड़ी लग जाएगी, आराम से जाओ, कोई मसला थोड़ी है। गाड़ी लगवाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही खर्चे बढ़ जाएंगे। खर्चों की फिक्र क्यों कर रही हो? मैं इतनी मेहनत क्यों करती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को आराम और सुकून दे सकूँ? अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, मजे लो। और आसिम की ना संडे को छुट्टी होती है, काम पे आने की कोई जरूरत नहीं संडे को। तुम इसके साथ वक्त गुजारो, फिल्म देखने जाओ, खाना खाने जाओ, बस एंजॉय करो ना जिंदगी अपनी। हमजा घर छोड़कर चला गया, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा हमजा, सब्र नहीं हो रहा मुझसे। एक माँ के दिल से खेलते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? और रानी, वो जो मेरे दिल से खेल रहे हैं, उसका क्या? हमजा का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? बताया क्यों नहीं भाभी को? धमका रहा था मुझे, कहता अगर किसी को भी बताया तो उसकी लाश घर वापस आएगी। तुम शादी करना चाहती थी ना उससे, तो मुझे बताया होता ना, ये खेल क्यों खेला तुमने?
एक काम करो, पार्लर की जो चाबियां है ना नेहा को दे दो, कल से ना नेहा ही पार्लर खोला करेगी। मैम जैसे होशियार और शातिर औरत के सामने मेरा गेम खेलना इतना आसान तो नहीं है, मुझे अपने साथ किसी को तो मिलाना ही होगा, लेकिन क्या करूं, किसे बनाऊं अपना राजदार? सबा को? नहीं यार, वो और रूबी तो वैसी मैम की खास चमचियां हैं। यार नीलम कुछ सोच। अब हानिया पे भरोसा कर सकती हूँ मैं, लेकिन अगर उसने भी मैम को सब कुछ बता दिया और मेरा राज फाश कर दिया, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मैम ने तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे निकाल देना यहाँ से। नहीं नहीं नीलम, कुछ और सोच, हानिया को भी कुछ नहीं बता सकते। हाँ ये आइडिया अच्छा है, मैं खुद अकेले ही मैम और नेहा के दरमियान ऐसी फूट डलवाऊंगी कि मैम अपनी बहू को इस सैलून से ही नहीं अपने घर से भी धक्के मार के निकाल देगी, और वो दिन होगा मेरा ईद का दिन। इस वॉच के लिए, ये मेरा ड्रीम था, लगता था कभी पूरा ही नहीं होगा। क्या हो गया सर? इट्स जस्ट अ वॉच, एनीथिंग फॉर यू स्वीटहार्ट, एनीथिंग। यहां से रिसीव करो और लाउडस्पीकर ऑन। ओके। हेलो। आया सर। ये राहिल क्या बकवास कर रहा है? तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? क्या? शुक्र करो मुझे गुस्सा नहीं, लिहाज कर गया, वरना तो मैं। एक मिनट, कहाँ हो तुम इस वक्त? फिलहाल मैं सूबी के साथ। हम दोनों अपना पर्सनल टाइम शेयर करें। फ्री होके तुम्हारे पास आता हूँ। जल्दी पहुंचो, हम सब तुम दोनों का वेट कर रहे हैं। ओके बाय। कुछ ऑर्डर करें? क्या खाना है? फिलहाल सैंडविचेस। एक्सक्यूज मी वेटर। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, सब ठीक है ना?
जी भाई, सब खैरियत है। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ही ठीक लग रही मुझे। वो भाई, मैं अभी सो के उठी हूँ ना, तो आपके फोन की आवाज से ही आँख खुली थी। ओ, अच्छा, I'm so sorry. तुम ऐसा करो, सो जाओ, हम बाद में बात करेंगे। नहीं नहीं भाई, आप बात करें, एक बार आँख खुल जाए तो फिर कहाँ आँख लगती है। हाँ, ये बात भी ठीक है। अच्छा, ये लो, अम्मी से बात करो। निशा, कैसी हो मेरी जान? अम्मी, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा, मुझे क्या होना, ठीक तो हूँ। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो, बहू के आते बेटी को भूल गई हैं आप। नहीं नहीं, तुम तो मेरी जिंदगी हो। रिधा भी बहुत अच्छी बच्ची है। सच कहूँ निशा, उसने तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे मैं उसे पहले से जानती हूँ। अच्छी बात है। बस बेटा, तुम्हारे लिए थोड़ा सा। अच्छा, आप दोनों की ना बातें नहीं खत्म होनी, लेकिन थोड़ा सा साथ का ख्याल कर लो। बेचारे ने सोना भी है, सुबह उसने ऑफिस जाना है, उसको डिस्टर्ब करेंगे हम, अच्छा तो नहीं होगा ना। हाँ हाँ, आराम करो, फिर कल बात करते हैं। निशा, बाद में बात होती है, ठीक है? अपना ख्याल रखो, खुदा हाफिज़। जी भाई, अल्लाह हाफिज। अम्मी, आप मेरी रोल मॉडल है, ऐसे तो ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अली, बस मैंने सोचा था तुम्हारी शादी रिदा से जल्दी कर दूंगी, लेकिन पता नहीं है मेरी तबीयत को क्या हो गया। हाँ तो आप टेंशन ना लेना इस बात की, शादी तो हम करेंगे, बहुत धूमधाम से करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी सेहत, और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, फिर सब कुछ होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन आली, आज मुझे निशा बहुत मुरझाई भी लग रही थी। अरे वो खुद ही तो कह रही थी, वो मैंने उसे कॉल ही ऐसे टाइम पे किया, सोते सोते उठ गई वो। फिक्र ना करें आप बिल्कुल भी, बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि साद और आंटी उसे बहुत खुश रखते हैं। हाँ बेटा, लग रहा है ऐसा ही हो इंशाल्लाह। चले, अब आप कमरे में चले और आराम करें। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। जाहिर है मुझे अम्मी की सारी सिचुएशन तो नहीं बताएंगे भाई, आप तो आंटी ही पूछ सकती थी कि रिपोर्ट्स में क्या आया। साथ भी नहीं आया अभी तक, और आंटी भी बेफिक्र होकर सो गई। वो मुझे अचानक भूख लग गई थी तो इसलिए। कोई बात नहीं, आराम से बैठ के खा लूं। वो मैं पानी लेने आई थी। मैं अभी लेके आती हूँ। ले लीजिए।
साथ नहीं आया अभी तक? हाँ, वो तो अक्सर रातों को बाहर ही रहते हैं। क्या बाहर कहाँ होते हैं वो? आप मैम से पूछ लीजिएगा, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज आप मेरा नाम मत लीजिएगा।